हाय दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर कुमार मिश्रा है और स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे एंकर बोल्ट फाउंडेशन के बारे में। उससे कि आप लोगों से मैंने बोला था एंकर बोल्ट डिटेल के बारे में आपको बताने का, तो अब आज हम आ गए एंकर बोल्ट फाउंडेशन के पास और हम इसकी बात करते हैं। एंकर बोल्ट में ये मेन चीज है जो है ये रॉड, इसको एंकर बोल्ट रॉड बोलते हैं। ये टेम्पलेट है, ये बोल्ट है, बोल्ट के नीचे एक वाशर आता है, एक टॉप पे वाशर आता है। अब इसको करते कैसे हैं, सबसे पहले फुटिंग डालेंगे। फुटिंग डालने के बाद से पेस्टल डलेगा, पेस्टल हाफ कास्टिंग कर लेते हैं, हाफ मार्जिंग करते हैं एंकर बोल्ट फिक्सिंग के लिए। एंकर बोल्ट फिक्स करने से पहले सबसे पहले सेटिंग होगा, सेटिंग कर लेंगे। जैसे ये सेटिंग है, सेटिंग चारों तरफ से हो जाएगा। सेटिंग होने के बाद से एंकर बोल्ट पहले उसको सरिये के एंकर बोल्ट को वहाँ पे रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद से फिर उसका लाइन लेवल और चेक करने के बाद से फिर उसको फिक्स करेंगे। जब एंकर बोल्ट कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो सेकंड स्टेज आता है एरेक्शन। एरेक्शन का क्या होता है कि एरेक्शन के टाइम में ये टेम्पलेट ओपन कर देते हैं। टेम्पलेट ओपन करने के बाद से जो कॉलम आएगा, स्टील स्ट्रक्चर का कॉलम आएगा, उसके इसको रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने का उसका लेवलिंग बोल्ट होता है, लेवलिंग बोल्ट द्वारा उसको लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद से फिर उसका लेवल चेक कर लेंगे। फिर ये बोल्ट टॉप और बॉटम से इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद से फिर जो मार्जिंग कंक्रीट और जो मार्जिंग कंक्रीट और बेस प्लेट के बीच में बचता है उसको GP2 से ग्राउट कर देते हैं। GP2 से इसलिए ग्राउट करते हैं क्योंकि आसानी से वो ग्राउट हो जाता है, जिसमें इस एयर स्पेस वगैरह बबल आने का कोई इशू नहीं रहता है। तो उसको कास्टिंग करने के बाद से फिर ये एंकर बोल्ट कंप्लीट हो गया। ये था एंकर बोल्ट का फुल डिटेल्स, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें ताकि मैं आगे इससे भी अच्छा वीडियो ला सकूं।